नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। जिस कानपुर पुलिस ने खूंखार बदमाश विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, उसी कानपुर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने बिना मास्क के घूम रही बकरी को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर भारत ही नहीं दुबई तक पहुंच गई। दरअसल यूपी में तेजी से फैलते कोरोना वायरस को देखते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती कर रही। वाहन चालकों के खिलाफ तो चालान की कार्रवाई भी की जा रही। इसी बीच मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खबरें छा गईं कि कानपुर की बेकनगंज पुलिस बिना मास्क के घूम रही बकरी को जीप में भरकर थाने ले गई। खाड़ी देश की मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। इस मामले में अनवरगंज पुलिस स्टेशन के ऑफिसर सैफुद्दीन बेग ने बताया कि जब बिना मास्क के युवक ने पुलिस को देखा तो वो बकरी छोड़कर भाग गया। पुलिस वाले बकरी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। बाद में हमने बकरी को उसके मालिक को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक बिना मास्क के बकरी के साथ घूम रहे शख्स ने पुलिस को देखा तो बकरी छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद पुलिस बकरी को जीप में लादकर थाने ले आई। खबर मिलने पर पहुंचे बकरी मालिक ने गुहार लगाई तो पुलिस ने यह हिदायत देते हुए बकरी छोड़ दी कि जानवरों को सड़क पर न घूमने दें। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बकरी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मियों में से एक ने स्वीकार किया था कि उन्होंने लॉकडाउन के उल्लंघन में बकरी को गिरफ्तार किया क्योंकि उसने मास्क नहीं पहन रखा था। लोग अब अपने कुत्तों को मास्क पहनाने लगे हैं तो बकरी को क्यों नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर फजीहत होने के बाद पुलिसकर्मी ने अपना बयान बदल दिया।